हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। आपका ये एडिटोरियल है सौर ऊर्जा से संबंधित। तो देखेंगे आखिर किस संदर्भ में अभी लिखा गया हाल में, और सौर ऊर्जा से तात्पर्य क्या होता है, भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति क्या है, सौर ऊर्जा से होने वाले लाभ क्या है, सौर ऊर्जा की राह में चुनौतियां क्या क्या हैं, और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में सरकार की पहल क्या रही है, उस पर भी बात करेंगे। याद रखिए, कोयला पेट्रोलियम ऐसे साधन हैं ऊर्जा के, ईंधन के, कि कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे, आप समझिए, ठीक है। और इन्हें बनने में बहुत साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं तब इनका ये बन पाते हैं। आप सोचिए कि हजारों साल की परिणाम है जो हम लोग आज कोयला निकाल रहे हैं, अब हजारों साल फिर लगेंगे। तो हमें एक ऐसी वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था तो करनी चाहिए जो हमेशा बनी रहे, जब तक हमारा धरती पर अस्तित्व है, यानी कि हम इंसानों का, तब तक ऐसी कोई ऊर्जा देखने को मिले। इसमें आप लोग पवन ऊर्जा ले सकते हैं, जल ऊर्जा ले सकते हैं, और सौर ऊर्जा ले सकते हैं। आप समझिए कि सूर्य की रोशनी तभी खत्म होगी जब हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगी सौर ऊर्जा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो तब तक एक मतलब विकल्प तो है हमारे पास कि साथ साथ चलने का, तो इसी की बात की जा रही है। आप फिर सुनते रहते हैं कि सोलर सौर प्लांट लग रहे हैं, अभी आपने देखा है एमपी में, उसके बाद आप पहले आपने आंध्र प्रदेश में देखा है, कर्नाटक केरल में देख रहे हैं, आप भी हर जगह देख रहे हैं। तो आखिर देखते हैं सौर ऊर्जा होती क्या है। उल्लेखनीय है कि भारत समृद्ध सौर ऊर्जा संसाधनों वाला देश है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास भी किए हैं। उन्हीं प्रयासों के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित, याद रखिए मध्य प्रदेश के रीवा एक मध्य प्रदेश का जिला है, स्थापित 750 मेगावाट की रीवा सोलर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस परियोजना में एक सौर पार्क जिसका कुल क्षेत्रफल है 1500 हेक्टर, कितना, 1500 हेक्टर है, कि अंदर स्थित 500 हेक्टर भूमि पर दो दो 250 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां शामिल हैं इसमें। इस सौर पार्क के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से रीवा अल्टा मेगा सोलर लिमिटेड को 138 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद प्रदान की गई है। इस सौर सौर ऊर्जा पार्क को रीवा अल्टा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है, जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग निगम लिमिटेड और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह सौर परियोजना ग्रेड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाले वाली देश की पहली सौर परियोजना थी। यह परियोजना वार्षिक तौर पर लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी। यह परियोजना राज्य के बाहर संस्थागत ग्राहकों को बिजली आपूर्ति करने वाली देश की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना होगी। यहाँ कार्बन की इसलिए बात की जा रही है क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप लोग कोयला का प्रयोग करते हैं तब कार्बन बड़ी मात्रा में उत्पन्न होता है उससे। तो सौर ऊर्जा से आप समझिए कि कोई कार्बन का वहां व्यवस्था ही नहीं है, कहाँ से आप लोग कार्बन उत्सर्जन होगा। इसी तरह जल की देख लीजिए आप लोग, हवा से देख लीजिए, वायु से। तो इसमें क्या है, एक सबसे बड़ी है हमारी प्रकृति के लिए, यानी कि हमारी जलवायु हो गई, इसके लिए एक अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा से तात्पर्य क्या है आपका। सूर्य से प्राप्त शक्ति को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को ऊष्मा या फिर विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोगों में लाया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को प्रयोग में लाने के लिए सोलर पैनलों की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा सोलर लाइट कई जगह आपने देखी होगी, और सोलर प्लेटें भी आपने देखा होगा, जहां लाइट नहीं है वहां गांव के लोग इसी तरह की व्यवस्थाएं करते रहते हैं। भारतीय भूभाग पर 5000 लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्ग वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है धरती पर, जो भारतीय भूभाग है इस पर कितना, 5000 लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर के बराबर, ठीक है। साफ धूप वाले दिनों में सौर ऊर्जा का औसत 5 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर होता है।
1 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए लगभग 3 हेक्टर समतल भूमि की जरूरत होती है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि शोधकर्ताओं के अनुसार वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से हवा की गुणवत्ता में जो सुधार आया उसके चलते मार्च से मई माह के बीच पृथ्वी को 8.3% अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त हुई। और आपने कई लोगों ने सुना हुआ हुआ, आप अगर न्यूज पेपरों से जुड़े रहते हैं, कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है बहुत परिवर्तन देखने के को मिले हैं। गंगा यमुना की सफाई भी आप देख सकते हैं, इसका वायु में जो आपके प्रदूषण रहता था, वायु प्रदूषण, उसे भी खत्म होते देख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कहीं कोई वाहन चले ही नहीं है, उद्योग धंधे चले ही नहीं है, तो प्रदूषण कहाँ से फैलेगा, समझ रहे हैं? तो काफी हद तक रिकवरी भी हुई है अपनी। तो कोरोना वायरस से बहुत कुछ मिला भी है हमें और बहुत कुछ गया भी है। भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति की अगर बात करें तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण हमारे यहाँ वर्ष भर सौर विकिरण प्राप्त होती है, जिससे सूर्य प्रकाश के लगभग 3000 घंटे शामिल है। भारतीय भूभाग पर 5000 लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्ग किलोमीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें पवन ऊर्जा से आपका 60 गीगावाट, सौर ऊर्जा से आपका 100 गीगावाट और वायुमास द्वारा ऊर्जा से 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 5 गीगावाट शामिल है। सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रूफटॉप सौर ऊर्जा 40%, सोलर पार्क 40% शामिल है। यह देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का 16% है। सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर स्थापित क्षमता का 60% करना है। वर्ष 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग 7 गुना तक बढ़ने की संभावना है। यदि भारत में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकेगा तो इससे GDP दर भी बढ़ेगी और भारत सुपर पावर बनने की राह पर भी आगे बढ़ सकेगा। वर्ष 2040 तक भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। भविष्य की इस मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने की दिशा में ठोस प्रयास होने चाहिए। कई लोग तो कह रहे हैं, अभी कई अपने आंकड़े आए हुए हैं कि 2030 तक ही हम लोग चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे कर देंगे, और बाकी मामले में छोड़िए, हम लोग जनसंख्या के मामले में तो चीन को पछाड़ देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं उत्पादन बराबर चल रहा है, जनसंख्या में हम सबसे आगे हैं, GDP में छोड़िए, GDP का हमें कोई मतलब ही नहीं रहता है। और कहते हैं कि अभी कुछ ही सालों में चीन अमेरिका को भी GDP के मामले में पीछे छोड़ देगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से चीन अपना विस्तार कर रहा है, वो महाशक्ति बनने अमेरिका को पीछे करके सबसे पावरफुल देश बनने की कतार में खड़ा होने वाला है। सौर ऊर्जा से होने वाले लाभ। सौर ऊर्जा कभी खत्म ना होने वाला संसाधन है और यह नवीकरणीय संसाधनों का सबसे बेहतर विकल्प भी है। सौर ऊर्जा वातावरण के लिए भी लाभकारी है। जब इसे उपयोग किया जाता है तो यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें नहीं छोड़ती है, जिससे वातावरण आपका प्रदूषित नहीं होता है। सौर ऊर्जा अनेक उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें आपकी उष्णता, भोजन पकाने, विद्युत उत्पादन करने का काम भी शामिल है। सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए विद्युत या गैस ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती है। एक सौर ऊर्जा निकाय को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा की पैनलों और सौर ऊर्जा की प्लेट को आसानी से घरों में भी कहीं पर भी रखा जा सकता है। इसलिए ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में यह काफी सस्ता भी है। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा की राह में आखिर चुनौतियां क्या क्या हैं इस क्षेत्र में। सौर ऊर्जा प्लेटों को स्थापित करने के लिए जमीन की उपलब्धता में कमी, कौशल मानव संसाधनों का अभाव, चीन से आयातित फोटोवोल्टेइक सेलों की कीमतें कम तो हैं, इसकी गुणवत्ता भी काम चला हुआ। भारत में बने सोलर सेल फोटोवोल्टेइक सेल भी अन्य आयातित सोलर सेलों के मुकाबले कम दक्ष हैं। अन्य उपकरणों के दाम भी बहुत अधिक हैं। इसमें विभिन्न नीतियों और नियम बनाने के बावजूद सोलर पैनल लगाने के खर्च में भी कमी नहीं है। गर्म और शुष्क क्षेत्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण सौर पैनल बनाने की नीतियों का अभाव है हमारे यहाँ। औसत लागत प्रति किलोवाट 1 लाख रुपये से अधिक है। आवासीय घरों में छतों पर सोलर पैनल लगाने पर आने वाली भारी खर्च सौर ऊर्जा परियोजनाओं की राय में बड़ी बाधा भी है।
अगर हम लोग सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में सरकार की पहलों को देखें, हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा सौर ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का उद्देश्य फॉसिल आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ सौर ऊर्जा को प्रतिस्पर्धी बनाने के अंतिम उद्देश्य के साथ बिजली सृजन एवं अन्य उपयोगों के लिए सौर ऊर्जा के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का लक्ष्य दीर्घकालिक नीति, बड़े स्तर पर परिनियोजन लक्ष्यों, महत्वाकांक्षी अनुसंधान और विकास तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल अवयवों तथा उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से देश में सौर ऊर्जा सृजन की लागत को कम करना है। इसका लक्ष्य दीर्घकालिक नीति, बड़े स्तर पर परिनियोजन लक्ष्यों, महत्वाकांक्षी अनुसंधान एवं विकास एवं महत्वपूर्ण कच्चे माल अवयवों तथा उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से देश में सौर ऊर्जा सृजन की लागत को कम करना है। फिर आपने सुना होगा प्रयास योजना। भारत सरकार ने देश की फोटोवोल्टिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सोलर पैनल निर्माण उद्योग को 210 कितना 210 अरब रुपए की सरकारी सहायता देने की योजना बनाई है। प्रयास प्रधानमंत्री योजना फॉर ऑगमेंटिंग सोलर मैन्युफैक्चरिंग नामक इस योजना के तहत सरकार ने वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा का 40% हरित ऊर्जा से उत्पन्न करने का लक्ष्य भी रखा है। फिर आपका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। यह गठबंधन सौर ऊर्जा संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। आईएसए की स्थापना की पहल भारत ने की थी और पेरिस में 30 नवंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान COP21 से पृथक भारत और फ्रांस ने इसकी संयुक्त शुरुआत की। करक और मकर रेखा के मध्य आंशिक गैप में पूर्ण रूप से अवस्थित 122 देश सौर संसाधन संपन्न देशों के इस गठबंधन का मुख्यालय, सबसे बड़ी बात है कि गुरुग्राम हरियाणा में, आपके देश में ही इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। आईएसए से जुड़े 67 देश गठबंधन में शामिल हो गए और फैमबर्ग समझौते की पुष्टि भी कर दी है। आईएसए फैमबर्ग में वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और उन्नत व स्वच्छ जैव ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा के लिए शोध और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने तथा ऊर्जा अवसंरचना एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है। आईएसए के प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना है। कितना? 1000। फिर आपका सोलर रूप टॉप योजना। सरकार द्वारा ग्रिड कनेक्टेड रूप टॉप और छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रमों का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनके तहत आवासीय और सामाजिक सहकारी PSU और संस्थागत क्षेत्रों में CFA प्रोत्साहन के जरिए 2100 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत सामान्य श्रेणी वाले राज्यों में आवासीय, संस्थागत एवं सामाजिक क्षेत्रों में इस तरह की परियोजनाओं के लिए बेंचमार्क लागत के 30% तक और विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों में बेंचमार्क लागत के 70% तक केंद्रीय विस्तृत सहायता मुहैया कराई जा रही है। अन्य अगर हम लोग नीतिगत उपायों की बात करें तो हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के माध्यम से बिजली पारेषण नेटवर्क का विकास, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के माध्यम से सौर ऊर्जा को की खरीद के लिए दिशा निर्देश, रूपटॉप परियोजनाओं के लिए बड़े सरकारी परिसरों भवनों की पहचान करना, स्मार्ट सिटी के विकास के लिए दिशा निर्देशों के तहत रूप टॉप सोलर एवं 10% नवीकरणीय ऊर्जा के प्रावधानों को अनिवार्य बनाना हेतु लिए गए भवन उपनियमों में संशोधन, सौर परियोजनाओं के लिए अवसंरचना दर्जा, कर मुक्त सोलर ब्रांड जारी करना तथा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना, इस सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं। लास्ट में आप कर सकते हैं कि भारत में नीतिगत एवं एक दशक के दौरान बढ़ती आबादी, आधुनिक सेवाओं तक पहुंच, विद्युतीकरण की दर तेज होने और GDP में वृद्धि की वजह से ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ी है। माना जाता है कि इसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय सौर ऊर्जा के जरिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ना केवल बुनियादी ढांचा मजबूत करने की जरूरत है
बल्कि ऊर्जा के लिए नए स्रोत तलाशना भी जरूरी है। ऐसे में सौर ऊर्जा क्षेत्र भारत के ऊर्जा उत्पादन और मांगों के बीच की बढ़ती खाई को बहुत हद तक पार सकता है। तो ये कहानी आपकी सौर ऊर्जा की, भारत के बारे में, ठीक है? क्योंकि आपने देखा है अब कई बार क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं, प्रीलिम्स में भी बन जाते हैं, और हो सकता है कि अभी हर ये आपने रीवा का देखा है सौर प्लांट, सौर पार्क, तो इससे भी हो सकता है कि मेंस में भी आपका आंसर या फिर निबंध लिखने के लिए आ सकता है। तो अच्छे से पॉइंट याद रख लीजिए, ठीक है?